टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक दोषी करार। एनआईए कोर्ट ने ठहराया दोषी। कबूली थी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की बात। आतंक के खिलाफ घाटी में सेना का एक्शन। लश्कर के 4 आतंकी और 1 सहयोगी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू में कांग्रेस नेता शिवदेव सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दिलाई सदस्यता। कहा बीजेपी को मजबूत करने में देंगे योगदान। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की पत्नी को दी गई सरकारी नौकरी। मंडलायुक्त ने सौंपा नौकरी का नियुक्ति पत्र। बड़गाम में आतंकवादियों के हमले का हुआ था शिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कश्मीर डायरी। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी पाया गया। एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को दोषी पाया है। उसे इस मामले में कितनी सजा मिलेगी, इस पर फैसला 25 मई को होगा। यासीन मलिक ने बीते दिनों खुद कबूला था कि वो कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है और अब उसे दोषी भी पाया गया है, दोषी ठहरा दिया गया है। अब उसे सजा कितनी होगी, इसका फैसला 25 मई को होगा। पहले मैं इंडियन जुडिशरी का शुक्रिया अदा करती हूँ और पूरी नेशन को मुबारकबाद देती हूँ कि आखिर सबको ये बात समझनी चाहिए कि हम जो भी आउटला होके जो भी काम करते हैं तो आखिरकार गाज गिरती है, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो यासीन मलिक जी को बहुत बहुत मुबारक है अगर उनको इसकी सज़ा मुकर्रर हुई है तो उनको मुबारक है। अगर एक ही जन्म में गलती करके उसका प्रायश्चित करने का समय भी मिल गया है तो मेरा ख्याल है इससे बढ़िया कोई सस्ता सौदा है ही नहीं। कोई इतने बड़े गुनाह करके, कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं किया है यासीन मलिक ने, बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर उन्होंने कहा था 4 एयरफोर्स के मर गए तो क्या हुआ, बथेरे मर गए हैं। आज एक यासीन मलिक मर जाएगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। यही बात हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं ना, 4 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। आप जितनी फोर्स से कोई बॉल फेंकते हो उससे 10 टाइम्स मोर फोर्सफुली वो हमारे पास वापस आता है। बहुत अच्छी बात है, ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया आज सारी नेशन को ये दिन देखने को। पचनंदा जी जुड़ चुके हैं। ज्योति जी, अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी करार दे दिया गया, सजा अब 25 मई को होगी, क्या कुछ होगा देखने वाली बात बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों उसने कबूला था यानी कि किए गए कुकर्मों की, अब उसे सजा भुगतनी होगी। देखिए, जब से को आज कन्विक्ट किया गया है, हालांकि उस पर सजा भी नहीं सुनाई गई है जिसका फैसला 25 मई को होना है। हाँ। लेकिन उसको दोषी करार होने पर पूरे जम्मू कश्मीर में आज खुशी की लहर है, हर दल यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है। मैं सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात करें या आप जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, सभी इस दिन को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आज यासीन मलिक को लगभग 30 वर्षों के बाद कन्विक्ट किया गया और दोषी करार दिया गया है। ये 30 वर्षों तक खुलेआम घूमते रहे हैं, इन्होंने हर नरसंहार किया है, टेरर फंडिंग की है, देश के प्रति एक ऐसी दुर्भावना रही, देश के प्रति आप कह लीजिए कि देशद्रोही, देशद्रोह भी इन्होंने किया। टेरर फंडिंग में हर आतंकवादी को सपोर्ट किया और उसके बाद इन्होंने कश्मीर में जो दहशत फैलाई, जो उनको टॉर्चर किया, जो आज पिछले 32 सालों से विस्थापित हैं, उनके जख्मों पर आज जरूर एक मरहम सी लगी है। उनमें सुकून जरूर हुआ है कि इंसाफ देर से हुआ लेकिन हुआ है। न्याय के मंदिर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, कहीं ना कहीं ये विश्वास एक बार फिर से पुख्ता होता हुआ। और कश्मीरी पंडित जिन्होंने इस आतंकवाद का सबसे ज्यादा और भयंकर दंश झेला है, उनकी तरफ से किस तरह से प्रतिक्रिया दी गई है, किस तरह से खुशी जाहिर की गई है इस फैसले के बाद? निस्संदेह वो लोग आज बहुत ही हर्षोल्लासित हैं, हालांकि अभी उनके जख्म भरे नहीं है। अभी जो राहुल भट्ट है उनकी अभी प्रदर्शन जो विरोध प्रदर्शन है उनको लेकर चल ही रहे हैं, लगातार वो डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं आज इतनी राहत जरूर मिली है
वो खुश हैं इस बात को लेकर कि चाहे आज 30 वर्षों के बाद यासीन मलिक को कन्विक्ट किया गया है और ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके सभी जो दोषी हैं उनको भी सजा मिलेगी और वो भी उनका हश्र भी वैसा ही होगा जैसा यासीन मलिक का हुआ। मिलाकर वहां पर खुशी की लहर। आप हमारे साथ बने रहे ज्योति जी, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। वहीं बारामूला पुलिस ने हाल ही में शराब की दुकान पर हुए आतंकी हमले के मामले में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने इस मामले में 4 आतंकवादियों और उनके एक मददगार को गिरफ्तार किया। सभी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आईजीपी कश्मीर ने बताया कि बारामूला आतंकी हमले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन 4 आतंकी और एक मददगार इनमें शामिल है। वहीं उनके पास से 5 पिस्टल, 23 ग्रेनेड सहित विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी बारामूला में कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहे हैं। बता दें, बारामूला में मंगलवार देर शाम को आतंकवादियों ने एक शराब की दुकान को निशाना बनाया था, ग्रेनेड से उस पर हमला कर दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि पुलिस इसी तरह से आतंकवाद के प्रति चोट पहुंचा रही है। जल्द ही आतंकवादियों को मौत के घाट भी उतारा जाएगा और कश्मीर का अमन चैन कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा, इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी से पूछताछ के दौरान बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त होंगी। तो इस तरह से पुलिस को मिली है ये बड़ी कामयाबी बारामूला में। हमारे साथ ज्योति जी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। उसको सॉल्व करने में कामयाब हुए हैं और इसके अलावा जो हमारे पास रिकवरीज हुई हैं वो इतनी ज़्यादा मकदार में हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में है कि हमें लगता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे अटैक्स और भी हो सकते थे जिसमें सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता था। ये एक बहुत ही बड़ा और मेजर प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से हुआ है। और मुझे लगता है कि जो हमारे पास इसमें लीड्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो हमारे पास एविडेंसेस मिली है उसकी बेसिस पे जो कार्रवाई अभी तक हुई है, इसमें हमें फर्दर सक्सेस मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। लश्कर तोयबा का एक बड़ा आतंकवादी मॉड्यूल ध्वस्त किया है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इन आतंकवादियों से प्राप्त होंगी। जिस प्रकार टारगेटेड किलिंग्स छुपकर ये आतंकवादी करते हैं, उनका सारा जो मॉडस ऑपरेंडी है वो इन गिरफ्तारियों के बाद सामने आएगा और भी बड़े पैमाने पर छापामारी के बाद गिरफ्तारियां। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा जी लगातार जुड़े हुए हैं। ज्योति जी, यानी कि चागज गिलिंग के जवाब में ये जो कार्रवाई की गई है, पुलिस को ये जो बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, आतंकी हमले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, यानी कि कुल मिलाकर ये सख्त संदेश देने की कोशिश कि आतंकियों की अब खैर नहीं। देखिए, एक जिंदा आतंकवादी को गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ी सफलता का सूचक है। हाँ। और आज जम्मू कश्मीर पुलिस बधाई के पात्र है कि इन्होंने 5 आतंकवादियों को हिरासत में लिया है, 4 जिनमें से एक्टिव मिलिटेंट थे, और उनको जिंदा गिरफ्तार करना। हाँ। और उनसे जो जानकारियां मिलेंगी निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण होंगी, वो कई आगे के जो टारगेट किलिंग से इनके प्लान थे उनको एक्सपोज करेंगे, जो इनको सपोर्ट करते रहे हैं या जो आगे छोटे लोगों को, बच्चों को, टीन एजर्स को गुमराह करते हैं, ब्रेन वॉश करके उनको अपने पंथ पे लाने के प्रयास करते हैं, उनसे उनका खुलासा होकर निसंदेह आगे कई गिरफ्तारियां भी होने की आशंका है। लेकिन इनसे अब देखो, इनकी गिरफ्तारी से 5 पिस्टल, 23 ग्रेनेड ये बरामद हुआ है। तो इन्होंने सभी ये उन्हीं लोगों पर ग्रेनेड फेंकने थे जैसे उन्होंने शराब की दुकान पर फेंको। और पुलिस ने जितनी जल्दी इस केस को सॉल्व किया है, जितनी जल्दी उनको हिरासत में लिया, निसंदेह जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशली बारामूला पुलिस बधाई के ही पात्र हैं। ज्योति जी, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। वहीं जम्मू में कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी शिवदेव सिंह ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व विधायक दविंदर सिंह राणा, बीजेपी के बड़े नेता भी उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस दौरान कहा कि बीजेपी शिवदेव सिंह का स्वागत करती है। पार्टी का जो मिशन प्लस है 50+, उसे शिवदेव सिंह के आने के बाद और ज्यादा बल मिल पाएगा। आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। वहीं शिवदेव
कहते दिखे कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का हाथ थामने के बाद वे जनता की सेवा कर पाएंगे, पार्टी को मजबूत करने में अपना पूरा योगदान दे पाएंगे। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त डंका बज रहा है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी में जम्मू कश्मीर का जनमानस शामिल हो रहा है। श्रीमान शिवदेव सिंह जी, जो कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता थे, पूर्व में एमएलए रहे हैं, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उनके साथ उनके हजारों साथियों ने भी आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली है। यह हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, समाज के हर वर्ग का व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। ऐसी पार्टी में हम जाएं जहां पर अपने लोग मिले, अपनी विचारधारा हो, मन की बात हो, तो मोदी जी के सिवा हिंदुस्तान में कोई ऐसा। ज्योति जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। ज्योति जी, एक बार फिर से एक और कांग्रेसी नेता को अपने आप में शामिल करके बीजेपी काफी गदगद दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या लगता है, शिवदेव सिंह के बीजेपी का दामन थामने के बाद बीजेपी वहां कितनी मजबूत पोजीशन में पहुंच पाएगी? देखिए, आज के जमाने में आप ये मान लीजिए कि आदर्श की राजनीति बहुत कम लोग करते हैं, ज्यादातर राजनेता आपको मौका प्रस्ती वाली राजनीति करते ही दिखेंगे। ऐसा ही ये शिवदेव जी के साथ भी हुआ है। इन्होंने निसंदेह आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना वजूद है। इनके शामिल होने से निसंदेह कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पर चल रही है, जैसे उन्होंने 370 को यहाँ अबॉलिश किया है, 35A को अबॉलिश किया है, जम्मू में यूटी बनाई है, जम्मू और कश्मीर लद्दाख को दो यूटीज में डिवाइड कर दिया है, निसंदेह उनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी। अब जो उनकी प्लानिंग है वो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को वापस अपने लाने के लिए रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं। तो ये नीतियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पॉपुलर सशक्त कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा महंगाई पर और इकोनॉमी जिस तरह से कमजोर हो रही है उस पर अगर फोकस करें तो निसंदेह उनको किसी भी नेताओं की जरूरत नहीं है बाहर से अपने साथ मिलाने की, वो अपने आप में ही सक्षम है। लेकिन शिवदेव के जुड़ने से निसंदेह उनके जो समर्थक हैं वो बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और मैसेज यही जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी और जैसे उनका मिशन 50+ है विधानसभा सीटों पे, उसकी तरफ अग्रसर होने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ज्योति पचनंदा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। वही हाल ही में बड़गाम में आतंकवादियों के हमले का शिकार हुए कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की पत्नी को सरकारी नौकरी दे दी गई। बुधवार को मंडलायुक्त रमेश कुमार और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह राहुल भट्ट के आवास पर पहुंचे, उनकी पत्नी को नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा, साथ ही साथ परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि भी सौंपी। बता दें, कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद उपराज्यपाल ने उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी 5 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। ये तो एक बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुए हैं। श्री राहुल भट्ट साहब की टारगेटेड किलिंग हो या श्री रंजीत सिंह जी जो उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक दुकान में काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनको निशाना बनाया गया। मैं स्वयं दोनों जगहों पहुंचा और पुलवामा के शहीद रियाज अहमद ठोकर साहब के घर भी गया उनको नमन करने। इन सभी परिवारों की चिंता यकीनन सरकार करेगी, भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। माता वैष्णो देवी की यात्रा पुराने पारंपरिक मार्ग से बहाल कर दी गई। बताया जा रहा है कि माता वैष्णो देवी की पहाड़ियों में लगी आग पर लगभग काबू पा लिया गया। श्राइन बोर्ड का आपदा प्रबंधन, पुलिस, दमकल समेत तमाम एजेंसियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। वही विभिन्न दल अब भी मैदान में डटे हुए हैं। बता दें, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग के आसपास आग धुएं के गुबार के चलते यात्रा को बुधवार रात को रोक दिया गया था। यात्रा के नए मार्ग अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक के लिए रास्ते को बंद कर दिया गया था। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा सुबह गुरुवार को अपने निर्धारित समय 6 बजे से बहाल कर दी गई। हालांकि यात्रा भी पुराने पारंपरिक मार्ग से जारी है, यात्रा के लिए नए मार्ग को अभी शुरू नहीं किया गया।
जम्मू में बहु क्षेत्र के लोगों ने पानी को लेकर प्रेस मोड पर प्रदर्शन किया और जल शक्ति विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, इस गर्मी से बढ़ रही पेयजल की किल्लत शहर के लोगों की परेशानियां बढ़ा रही है। इसी को लेकर क्षेत्रवासियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर लोगों का कहना है कि यहां पर पिछले 4 दिन से घरों में पानी नहीं आ रहा। ऐसे में लोगों को अपनी जरूरत के लिए पानी के लिए PHE के ट्यूबवेल पर जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की मांग थी कि अभी पेयजल की किल्लत को दूर किया जाए। स्थानीय लोगों ने कहा, मांग जल्द पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट सोई गवर्नमेंट है, ये हमारे साल 1.5 साल से हमारा ऊपर का होज टूटा हुआ है, उसकी भी सुध नहीं ले रही और पानी चार पाँच दिन के बाद नहीं दे रही। छोटा सा हवा का झोंका आता है तो नीचे बिजली का कट लग जाता है, तो हमारे ट्यूबवेल का 6 घंटे पानी कट कर देते हैं। आज हमें कम से कम भी 5-7 दिन के बाद पानी देते थे, 10-15 मिनट पानी आता है और वो भी बंद हो जाता है, उसी टाइम बंद हो जाता है। और मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि हमारा पानी का टैंक देखो, इतने इतने लंबे कीड़े आते हैं। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, बहुफुट के लोगों को सुध ली जाए। पानी आता है तो बिजली बंद कर देते हैं, बिजली आती है पानी बंद कर देते हैं। मेरी सरकार से विनती है कि जो गरीब जनता है, इसके लिए पानी का बंदोबस्त करें, डेली सप्लाई आए। आज लोग परेशान हैं, आज ही नहीं परेशान है, अक्सर ये परेशान है ये लोग। आज मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कहूँगा, ये एक मजबूर होकर हमने ये रोड पकड़ा है। अगर हमारा यही हाल रहा तो जैसे मैंने पहले कहा, मैं अभी भी कहूँगा, हमें मजबूरन होकर हमें दोनों ब्रिज जो हमारे जम्मू सिटी के साथ लगते हैं, गुज्जर नगर और विक्रम चौक वाला, हमें वो भी। जम्मू में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ शिवसेना ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रदेश कार्यालय के पास छन्नी चौक पर धरना दिया। इस मौके पर शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा, महंगाई तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। मुफ्त गैस सिलेंडर और राशन बांटने वाले आज देश को महंगाई के आंसू रुला रहे हैं। इस मौके पर अध्यक्ष महिला विंग मीनाक्षी छिब्बर, महासचिव विकास बख्शी, चेयरमैन राकेश गुप्ता और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का आज फिर हम महंगाई को लेकर यहां पर सड़कों पर है। देखिए, महंगाई इस समय आसमान को भी चीरती हुई अंतरिक्ष के अंदर पहुंच चुकी है। जनता, देश की जनता जो राहत की उम्मीद लगाए बैठी थी मोदी सरकार पर, उस पर लगातार महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है। एक बार फिर रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर के मूल्यों में बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी देश को जहाँ पर मोदी सरकार मुफ्त के अंदर जनता को सिलेंडर दे रही थी, मुफ्त राशन दे रही थी, आज वो देश की जनता खून के आंसू रो रही है महंगाई को लेकर। एक तरफ आमदनी जो है वो आधी रह चुकी है और महंगाई का जोर जो है वो दुगना चौगना हो चुका है। आज कोई भी घरेलू इस्तेमाल की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बची जिस पर महंगाई का चाबुक ना चला हो। तो शिवसेना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करती है कि जनता को महंगाई से राहत दें, मंदिर मस्जिद लाउडस्पीकर की राजनीति से बाहर निकलकर जनता को महंगाई से राहत। जम्मू में जल शक्ति विभाग के डेली वेजर कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी। PHE डेली वेजर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 28 मई को 24 घंटे की काम छोड़कर हड़ताल की चेतावनी दी है। बता दें, पिछले काफी समय से अपनी नौकरी के नियमितीकरण और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन ये लोग कर चुके हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर अब हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है, अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती तो हड़ताल आगे और बढ़ाई जाएगी, इसलिए सरकार जल्द ही डेली वेजर्स की मांगों को पूरा करे। कश्मीर का डेली वेजर को उन्होंने भी इग्नोर किया, उनके होते हुए भी जम्मू कश्मीर के डेली वेजर का शोषण लगातार जारी है। हमारी जो 3 मांगे हैं, जिसमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी, लगातार 28 साल से हम मांग कर रहे हैं कि हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमें दो, हमारी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए, जो कि 7 साल के बाद कानूनी हक बनता है कि हमें रेगुलाइज किया जाना चाहिए था, लेकिन हमें डेलीब्रेटली सबने हमारे साथ धोखा किया, आश्वासन के ऊपर आश्वासन देते रहे, लेकिन आज तक किसी ने भी ये फैसला नहीं लिया। इसीलिए अब हमने 24 घंटे की काम छोड़ स्ट्राइक पर जाने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने मजबूर किया, इसीलिए हमने 28 मई शाम 8 बजे से 24 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है, जो 29 मई शाम 8 बजे तक चलेगी पहले फेज में। और फिर भी अगर सरकार हमारी मांगों के ऊपर गौर नहीं करती तो उसके बाद जो हमारी स्ट्राइक होगी वो लगातार भी चल सकती है, 72 घंटे की भी हो सकती है। हम सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि हमें मजबूर ना करें, कि हम ऐसा कदम उठाएं कि जम्मू की जनता परेशान।
जम्मू में कौशल विकास प्रशिक्षण मिशन के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का कठुआ ITI में आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे ग्रामीण इलाकों की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सके। आज ही के दिन बसोली ITI में भी ये लॉन्च किया है हमने। आज ही के दिन दो ITI जो बिलावर में पड़ते हैं वहाँ पर भी हमने स्टार्ट किया है, और हमने आज कठुआ में और हीरानगर में भी स्टार्ट किया है। हमारे टोटल मेंबर जो हैं 231 मेंबर्स हैं जो पूरे बसोली मतलब डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हैं। तो उसमें डिफरेंट मेंबर्स आते हैं, मतलब बसोली के कुछ मेंबर्स हैं, 37 हमारे यहाँ पे मेंबर्स हैं जिनको हम बढ़ाएंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है, हमारा जो आगे विजन है वो हम आगे बढ़ाएंगे। इनका 350 हमारा इनिशियल टारगेट है, उसके साथ हम 600-700 पूरे साल अब ये मतलब डिफरेंट इंटरवल्स पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो। करगिल के डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेव ने शारगोल ब्लॉक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लिफ्ट सिंचाई और जलापूर्ति योजना की संभावनाओं की तलाश की। साथ ही उन्होंने पब्लिक हेल्थ सेंटर का दौरा किया, वहां के कामकाज का निरीक्षण किया। डिप्टी कमिश्नर नए पब्लिक हेल्थ सेंटर के निर्माण स्थल पर भी पहुंचे, वहां के उच्च माध्यमिक विद्यालय का भी निरीक्षण करते दिखाई दिए। चार चीज़ें देखिए, जैसे आप कह रहे थे कि पहले सुबह हम टिंडो गए थे, वहाँ पर मॉडल एक मिडिल स्कूल बनाया उनका, उन्होंने तो उसका इनोवेशन टाइप था। साथ ही में हमने जो नया PSC बन रहा है शरबल ब्लॉक में, जो कि ट्रॉमा सेंटर के टाइम पे भी टाइप पे काम करेगा, उसकी साइट देखिए उसका काम भी चल रहा है। फिर हम हायर सेकेंडरी में आए थे, और साथ ही में जो लिफ्ट इरीगेशन की कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज़ है उसको भी देखा है हमने। तो एक कम्प्रेंसिव टूर था, सुबह से हम शरबल काउंसिल में घूम रहे थे काउंसलर साहब के साथ में और बाकी ऑफिसर्स के साथ में। इसमें दो तीन चीज़ें हैं, एक तो स्कूल्स वाला जो है अपग्रेडेशन हो या फिर रेस्टोरेशन स्कूल का खुद का या फिर टीचर की डिप्लॉयमेंट है, उन चीज़ों को फोकस करेंगे। दूसरा हमारा ड्रॉट वाला यहाँ पे सिचुएशन है, कुछ कुछ विलेजेस में पानी की बड़ी कमी है, तो लिफ्ट वाला जो है उसको हम बहुत लास्ट स्केल पे करके में लाना चाहते हैं, बिकॉज और कोई ऑप्शन हमारे पास बचा नहीं है। तो मॉडर्न अगर टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है तो लिफ्ट इरीगेशन का है, उसको हम लार्ज स्केल में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और साथ ही में जो हमारे बच्चे हैं जो हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं या फिर अलग अलग स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनके लिए करियर कोचिंग हो या काउंसलिंग हो, उस टाइप के प्रोग्राम। जम्मू में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में पारा 43 डिग्री के ऊपर पहुंच गया। तपती धूप, गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। लोगों का कहना है वे गर्मी से बचने के लिए नहर में नहाकर राहत तलाश रहे हैं। लोगों का कहना है बढ़ती गर्मी के साथ साथ बिजली कटौती भी हो रही है, इस वजह से उनकी परेशानी दोगुनी होती हुई। ऐसे में नदी नहरों में नहाकर ही लोग गर्मी से निजात पाने की कोशिश में लगे हुए। तस्वीरें देखिए। जम्मू में गर्मी इस समय जो है 42 डिग्री से पार कर चुकी है, और पारा इतना है कि आप जहां पर खड़े हैं वहां पर खड़ा होना भी जो मुश्किल है। हमारे साथ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहाल गुप्ता है। निहाल जी, बढ़ती हुई गर्मी के लिए क्या कहेंगे, कैसे राहत मिल पाएगी गर्मी से? राहत तो बड़ा मुश्किल है। अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार की गर्मी हमारे जम्मू शहर में क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही पूरी गर्मी का बड़ा माहौल, बड़ा गर्मो गर्मी वाला छाया हुआ है। और साथ में देखा जाए तो गर्मी से राहत के लिए लोग, जैसे आप देख रहे हो कि नहर में नहाने आ रहे हैं या अपना थोड़ा रिलीफ कराने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह जा रहे हैं कि हाँ भी थोड़ा इन्जॉय कर लें बाहर आके। लेकिन बाहर आके इन्जॉय भी क्या करना, आपके सामने ही है, गाड़ी में बैठे हैं जहाँ मर्जी बैठे, लेकिन गर्मी का बुरा हाल है। मौसम में बादल तो आसमान में छाए जाते हैं, लेकिन इंद्र भगवान लग रहा है शायद प्रसन्न नहीं है अभी। नहीं, उसके लिए तो अब वो भगवान की मेहर है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बारिश का तो माहौल बना ही होता है, अब कल देख लिए परसों देख लिए सुबह बारिश का माहौल बनता है, लेकिन दोपहर को फिर वही गर्मी। अब देख रहे हैं गर्मी को लेकर जो है परेशान है मौसम, आसमान में बादल तो छाए जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बारिश जो है वो भी मेहरबान होती है, लेकिन उसके बाद फिर भी गर्मी जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही। यहाँ पर जहाँ खड़े हैं लोग अपनी गर्मी से राहत पाने के लिए नहर के पानी पर जो आकर यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी से राहत तो पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला भी है, क्या नाम है आपका? रितु खजूरिया। आप किसके साथ आए हैं? मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ। बच्चों के साथ हैं। क्या लग रहा है गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है इस नहर के पानी में, थोड़ा अपने आप को बच्चों का नहलाकर कुछ फर्क मिल पाया गर्मी से? हाँ, काफी ज्यादा फर्क लग पाया है, गर्मी थोड़ी हटी है बच्चों से। लाइट ही ज्यादा दरअसल बंद ही रहती है, तो गर्मी में बच्चे कहते हैं नहर में चलो, फिर नहर में आ गए।
ये आप देख रहे हैं, एक तरफ बढ़ती हुई गर्मी, दूसरी तरफ बारिश नहीं हो रही है। सूरज जो है वो अपनी गर्मी जो है वो फैला रहा है, और दूसरी तरफ लाइट ने जो है वो भी, बिजली ने जो वो भी परेशान कर रखा हुआ लोगों को। और उसी परेशानी से राहत पाने के लिए लोग यहाँ पर ठंडे पानी में आकर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपने शरीर को गर्मी से राहत देने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। कैमरामैन ऋषि कुमार के साथ मैं हरमीत सिंह, जम्मू। जम्मू कश्मीर के जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर बजबेहरा लंगनबल रोड पर पर्यटकों की आवाजाही को बंद कर दिया, जिसे लेकर बजबेहरा के व्यापारियों, मजदूरों और रेस्टोरेंट मालिकों ने विरोध जताया। उनका कहना है कि वो 20 साल से पर्यटकों का स्वागत करते आ रहे हैं, अब तक पर्यटक को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा इसकी वजह से व्यापारियों और मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी रोजी रोटी के आगे संकट खड़ा हो गया है, जिसके लिए उन्होंने बकायदा उपराज्यपाल से निवेदन किया कि वो बजबेहरा लंगनबल रोड पर पर्यटकों की आवागमन को एक बार फिर से अनुमति दे, जो रोक लगा दी गई उसे बहाल करें। 1.5 महीने से बंद पड़ा है, क्योंकि यहाँ लोगों का रोजगार है, यहाँ बहुत सारे जो किसी ने शॉल का काम कर रहा है, कोई जूस बेच रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो ये जो हमारा कोई बाहर से बंदे आए हैं जो यहाँ बेचारे जिनने रेस्टोरेंट किराए पे लिए है, कम 3-4 लाख रुपए किराया लेके मजदूर, उनके मजदूर है वो बहुत परेशान है, सबका काम ठप पड़ा हुआ है। और हम LG इंतजाम से गुजारिश करना चाहते हैं ये जो हमारा बजबेहरा लंगनबल वाला रोड इसको खोला जाए, और हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं हम इस जो टूरिस्टों के लिए जो यहाँ से कम 20 साल से यहाँ टूरिस्ट है, कोई हम रेस्पेक्ट करते हैं, जो बाहर से टूरिस्ट आता है हम वेलकम करते हैं, और आज तक ऐसा कुछ अनहोनी नहीं हुई जो हमारे रोड पे जिससे हमें दिक्कत हो जाए, और हम वेलकम हमेशा करते हैं टूरिस्टों को जो बाहर से आते हैं। और हम रिक्वेस्ट LG इंतजाम से करना चाहते हैं जो हमारा रोड है उसको जल्द अज जल्द खोला जाए, और हमारा जो रोजगार है ये हम बहाल। चलिए इसी के साथ कश्मीर डायरी में फिलहाल बस इतना ही, अपने रहे जनतंत्र टीवी के साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।